आपने लूज पाउडर भी यूज किया होगा और आपने कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बैक टू बेसिक सीरीज के एपिसोड 5 में आप सबका वेलकम। हम बात कर रहे हैं लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या फर्क है और आप कौन सा यूज कर सकते हो, इनकी प्राइसेस क्या है और डिफरेंसेस। कहते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। कॉम्पैक्ट पाउडर को फेस पाउडर और प्रेस्ड पाउडर भी कहा जाता है, ज्यादातर लोग इसे फेस पाउडर के नाम से जानते हैं। अच्छा, छोटी सी एक बात आपको बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर का इस तरह से ना मिरर धुंधला होता है। एक्चुअली वो धुंधला नहीं होता, इसके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई होती है, आप उसको उतारोगे तो आपका मिरर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की कि इसका टेक्सचर कैसा होता है। अच्छा, इसका टेक्सचर सेमी सॉलिड होता है, थोड़ा सा क्रीमी होता है, ठीक है। जब आप टच करते हो ना तो इसका टेक्सचर बिल्कुल पाउडरी नहीं होता बल्कि थोड़ा सा सॉलिड होता है। यस, इट हैज कवरेज। आपके बेस पे लगाने के बाद इसका भी एक अलग कवरेज आपके फेस पे आता है। कॉम्पैक्ट पाउडर को जब बनाया जाता है तो इसके अंदर ऑयल्स को भी मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट पाउडर सूटेबल रहता है ड्राई स्किन के लिए। ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। तो डिफरेंट ब्रांड्स में कॉम्पैक्ट पाउडर देखने को मिलते हैं। मेरे पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसकी प्राइस 500 रुपीज तक है। बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज क्यों किया जाता है। कॉम्पैक्ट पाउडर को आपके मेकअप को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्पैक्ट पाउडर ना सिर्फ आपके मेकअप को सेट करता है बल्कि आपके मेकअप में थोड़ा सा कवरेज भी देता है। कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर भी आपको डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट अंडरटोन्स देखने को मिलते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से सेलेक्ट करें तो आप हमेशा अपने बेस से, अपने फाउंडेशन से 1 या 2 टोन लाइटर कॉम्पैक्ट पाउडर बाय किया करें, यानी अपनी बेस के कलर से थोड़ा सा फेयर शेड, ताकि जब आपका बेस ऑक्सीडाइज हो तो वो डार्क ना लगे। अक्सर बेस का कलर और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का कलर आपस में मिक्स होके ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो बहुत अजीब लगते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप ब्रश के साथ भी यूज कर सकते हो, जो फ्लफी ब्रश आते हैं, और कॉम्पैक्ट पाउडर को आप इसके स्पंज के साथ भी यूज कर सकते हो, और इसी वजह से इसको प्रेस पाउडर भी कहा जाता है। ये आपकी स्किन में थोड़ी सी कवरेज भी देता है। अब बात करते हैं लूज पाउडर की। लूज पाउडर आपने डिफरेंट नामों के साथ सुना होगा, कहीं तो इसको ट्रांसलूसेंट पाउडर कहा जाता है, बनाना पाउडर कहा जाता है, फिक्सिंग पाउडर कहा जाता है, टिंटेड पाउडर कहा जाता है। बेसिकली लूज पाउडर बस लूज पाउडर ही होता है। हाँ, इसके जो दूसरे नाम हैं उनके थोड़े अलग अलग यूज हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लूज पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं। लूज पाउडर आपको बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में मिलता है, इसके अंदर कोई भी ऑयल्स यूज नहीं किए जाते। सो इट इज रियली गुड फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑयल आता है तो इनके लिए ये काफी सूटेबल रहता है। अब बात करते हैं कि लूज पाउडर आके यूज क्यों किया जाता है। लूज पाउडर आपके मेकअप को सेट करने का काम करता है, यानी आपने बेस वगैरह लगाई उसके बाद अब किस तरह से सेट करेंगे। आप लूज पाउडर यूज करेंगे तो आपका मेकअप सेट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपके मेकअप को सेट करने का काम करता है लेकिन उसमें थोड़ी सी कवरेज भी होती है। ऑन अदर हैंड लूज पाउडर आपके मेकअप को सेट तो करता है लेकिन ये लेस कवरेज वाला है, इसके अंदर आपको कवरेज देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके फेस के लिए बेस्ट पाउडर रहेगा लूज पाउडर। अब वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, अब वो बनाना पाउडर हो सकता है, फिक्सिंग पाउडर हो सकता है। फिलहाल क्योंकि हम लूज पाउडर की बात कर रहे हैं तो लूज पाउडर का मतलब है पाउडरी पाउडर्स। अगेन, लूज पाउडर के अंदर भी आपको डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट अंडरटोन्स देखने को मिलते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कलर चूज करते हो, आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज करना है। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हो जो हमने कॉम्पैक्ट पाउडर के वक्त सीखा, कि आप 1 to 2 टोन लाइटर कॉम्पैक्ट पाउडर का शेड लो अपने फाउंडेशन से। तो सिमिलरली लूज पाउडर भी थोड़ा लाइट होना ही सही है। बात करते हैं कि दोनों पाउडर्स में से कौन सा पाउडर आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वैसे तो इन दोनों का काम ही आपके मेकअप को सेट करना है और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, ऑयल को कंट्रोल करना है और मेकअप को फिक्स करना है। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप कोई सैलून रन कर रहे हो तो आपके पास ये दोनों होने चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर बाय करो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक लूज पाउडर आप अपने पास रखो ताकि वो आपके मेकअप को सेट करने का काम कर सके। जी जनाब, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।